पुलिस डिपार्टमेंट में झारखंड की एक महिला की फर्जी तरीके से नौकरी लगने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि महिला 15 साल से नौकरी कर रही थी, लेकिन किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जब उसके पति ने ही फर्जीवाड़े की शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। मामला उदयपुर का है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने 14 जून 2005 को झारखंड की रहने वाली हीरा गगराई ने महिला कांस्टेबल पद के लिए एसटी वर्ग में आवेदन किया, साथ में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी लगाया, जबकि हीरा मुंडा जाति से संबंधित थी। यह जाति प्रदेश में अधिसूचित ही नहीं थी, ऐसे में वो सामान्य श्रेणी में आवेदन करने के लिए ही पात्र थी। दरअसल नियम है कि राजस्थान से बाहरी राज्य वाले एससी एसटी कैंडिडेट सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी को ही एससी एसटी का फायदा मिलता है, लेकिन इस मामले में इस नियम को भी दरकिनार कर दिया गया। भर्ती के दौरान इस महिला के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जांचने वाले अफसर सवालों के घेरे में आ गए हैं कि उन्होंने मूल रूप से बाहरी राज्य की महिला को एसटी वर्ग में नियुक्ति कैसे दे दी। उन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला हीरा गगराई मुंडा जाति की है। ये जाति झारखंड में शेड्यूल ट्राइब के रूप में अधिसूचित है, लेकिन राजस्थान में ये जाति शेड्यूल ट्राइब के रूप में अधिसूचित नहीं है। ऐसे में इस महिला को राजस्थान की भर्ती में सिर्फ जनरल कैटेगरी में लाभ मिलना था। हीरा की 2005 में झारखंड के ही बीएसएफ हवलदार सुनील बारी से शादी हुई। रिटायर्ड होने के बाद सुनील भी हीरा के साथ उदयपुर पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहने लगा। 2016 में दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया और इसके बाद सुनील हीरा को छोड़कर पुत्री को लेकर गांव चला गया। 2018 में हीरा ने उसे तलाक का नोटिस भेजा और इसके बाद सुनील ने उदयपुर पुलिस के अधिकारियों को हीरा के फर्जीवाड़े से पुलिस में भर्ती होने की शिकायत की। पति की शिकायत के बाद एसपी विकास शर्मा ने 22 अक्टूबर 2022 को मामले की जांच महिला अपराध एवं जांच प्रकोष्ठ के उप अधीक्षक चेतना भाटी को सौंपी। 16 दिसंबर को कांस्टेबल को नोटिस जारी किया गया। 28 को उसने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। भाटी ने पाया कि हीरा ने गलत ढंग से एसटी वर्ग में नियुक्ति पाली। वह सामान्य वर्ग में भी आवेदन की पात्र नहीं थी, क्योंकि उसका जन्म 19 दिसंबर 1978 को हुआ था, जबकि सामान्य वर्ग में भर्ती के लिए 1 जनवरी 1980 निर्धारित थी। हीरा संतोष पर जवाब नहीं दे पाई और इस पर आरोपों को प्रमाणित मानते हुए एसपी ने 16 जनवरी 2023 को वीआरएस दे दिया। बताया जाता है कि हीरा अब तक करीब 45 लाख रुपए वेतन ले चुकी है। अभी वह 50,000 रुपए मासिक वेतन ले रही थी। शर्मा ने जांच के बाद अपने आदेश में लिखा, महिला कांस्टेबल हीरा गगराई द्वारा दिया गया जवाब सही नहीं पाए जाने और लगाए गए आरोप पूरी तरह प्रमाणित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद महिला कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच हुई थी, इसके बाद ही वीआरएस दिया गया है। भर्ती के दौरान प्रमाण पत्रों की ठीक से जांच नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वकील राकेश मोगरा ने कहा कि भर्ती के समय राजस्थान में मान्य नहीं होने वाले प्रमाण पत्रों को पेश कर नौकरी लेना कानूनन गलत है। पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लिए गए परिलाभों की विभागीय रिकवरी करनी चाहिए। दस्तावेजों की जांच करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।